So hello everyone, welcome back on my channel. Suggest to you best way, grooming is a destination for everyone. So दोस्तों recently हमने हमारे channel के ऊपर एक video launch किया था जो था Philips 7000 series का first look. अगर आपने अभी तक वो video नहीं देखी है तो फटाफट आई बटन के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो जाके देखिए. दैट विल रियली हेल्पफुल टू नो कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है और कैसा इसका फर्स्ट लुक होता है. और आज की हमारे इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे इस ट्रिमर के एसेसरीज के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, और दोस्तों कुछ हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जब मैंने इस ट्रिमर को यूज किया कि कितना हेल्पफुल है, क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कौन है. सो उन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे. एंड इन दी एंड यू विल गॉट टू नो दैट यू शुड बाय दिस ट्रिमर और नॉट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को. सो चलिए दोस्तों फटाफट मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या एसेसरीज हमें फिलिप्स देता है इस ट्रिमर के साथ में जब हम इसको बाय करते हैं. सो स्टार्टिंग में जब हम बॉक्स खोलते हैं हमें मिलती है कुछ यहाँ पर यूजर मैनुअल्स जो अलग अलग लैंग्वेजेस में है, जो आई थिंक सो कोई पढ़ना प्रेफर नहीं करता है. पर खोलते ही हमें सबसे पहले दिखता है हमें यहाँ पर ट्रिमर जो कि इस बॉक्स का मेन कंटेंट है, हीरो कंटेंट. आप देख सकते हैं कितना साइज में बड़ा ट्रिमर है एंड एक्चुअली इट्स वेरी इंप्रेसिव इन द फर्स्ट लुक. सेकेंड जो हमें एसेसरी देखने को मिलती है दोस्तों वो है इसका चार्जर एंड जो कॉर्डेड फीचर है इसका, कॉर्डेड एंड कॉर्डलेस जो इसके बारे में हम बाद में आगे बात करेंगे वो है दोस्तों इसका ये चार्जर. एंड साथ में मिलता है आपको एक एडजस्टमेंट क्लिप जिसको आप एडजस्ट करके अपनी लेंथ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आइटम हमें मिलता है इसके अंदर यहाँ पर कुछ क्लीनिंग टूल है दोस्तों. जब भी आप इस ट्रिमर को जो है यूज़ करेंगे तो आपको इसको क्लीन करने के काम में आने वाले हैं ये टूल. दो छोटे छोटे टूल है, एक साइड पर बड़ इसकी एंड अदर साइड इज द ब्रश. सो ये टूल हमें देखने के लिए मिलते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेसरी फॉर मी एक्चुअली, बिकॉज अगर आप इसको ट्रैवल करते हैं कहीं साथ में ले जाके सो आप इस कैरी पाउच को जो है यूज़ कर सकते हैं. सो आपको ये पूरा जो बॉक्स है साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसके अंदर डाल के अपना ट्रिमर जो है कैरी कर सकते हैं विद अ चार्जर. सो एसेसरीज तो आपने देख ही ली होगी दोस्तों. चलिए आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम इस ट्रिमर के फीचर्स के बारे में जो फिलिप्स हमें आगे से ऑफर करती है. सो द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फीचर है इस ट्रिमर का वो ये है दोस्तों कि इस ट्रिमर की जो ब्लेड है वो सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड है, मेटल ब्लेड है, जिसको आपको रिप्लेस करने की, ऑयलिंग करने की नीड नहीं है. वो अपने आप ही जब यूज़ होते रहेगी तो अपने आप ही अपने आप को शार्प करती रहेगी. ये ऐसा फीचर है इस कंपनी का जो क्लेम करती है. अनदर फीचर है दोस्तों कि इसके अंदर 20 लेंथ सेटिंग है. इट मींस 0.5 फिर 1.5, आप ऐसे 20 सेटिंग्स कर सकते हैं. एंड द हाईएस्ट सेटिंग इज़ फॉर द 10 mm, लाइक 10 mm तक अपनी बियर्ड को जो है सेट कर सकते हैं. अनदर फीचर है दोस्तों कि इसके अंदर कॉर्डेड एंड कॉर्डलेस दोनों है. आपको चार्ज लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको कॉर्ड लगा के भी यूज़ कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास टाइम है आप इसको थोड़ा बहुत चार्ज लगा सकते हैं तो उसको भी वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो दोनों फीचर जो आपको मिलते हैं देखने के लिए इस ट्रिमर के अंदर. एंड जो छोटा मोटा फीचर वो ये है दोस्तों कि आप वॉशेबल इस ब्लेड को वॉश कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप वॉश नहीं कर सकते, वॉश कर सकते हैं, जंग वंग नहीं लगेगी ब्लेड के अंदर. एंड दीज आर द मेन हाईलाइटेड फीचर ऑफ दिस ट्रिमर. बट कुछ हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो उसके प्रोज एंड कॉन्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना अगर आप इस ट्रिमर को प्लान कर रहे हैं बाय करने का. तो सो लेट्स स्टार्ट द पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस ट्रिमर विच वी हैड वाइल ट्रिमिंग माई बियर्ड. सो हमारे पर्सनल ऑब्जर्वेशन का पॉइंट नंबर वन ये है कि इस ट्रिमर की जो ब्लेड है वो काफ़ी प्रिसाइज है. मतलब जब आप इसको ट्रिम करते हैं 0 mm लाइक विदाउट क्लिप जब आप इसको ट्रिम करते हैं अपने बियर्ड को सो ऑलमोस्ट आपको एक ऐसा फील था कि आपने अपनी बियर्ड को शेव किया है. ये इतना प्रिसाइज है, बहुत अच्छे तरीके से आपके बाल को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है. इट गिव यू फील लाइक अ रेजर शेव्ड बियर्ड. यहाँ पर मैंने एक क्लिप दिखा रखी है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब मैंने इस ट्रिमर को यूज़ किया था सो कितनी प्रिसाइसली इसने जो है ट्रिमिंग की थी, लाइक लाइन को सेटअप किया था मेरी बियर्ड को, आप देख सकते हैं यहाँ पर. सो ये सी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है उन लोगों के लिए स्पेशली जो अपनी बियर्ड को जो है क्लीन शेप करना पसंद करते हैं और काफ़ी अच्छा उनको प्रिसाइज कटिंग देने वाला है अगर वो अपनी बियर्ड को जो है क्लीन शेप करना चाहेंगे. पॉइंट नंबर टू दोस्तों ये है कि मुझे सबसे अच्छी इस बियर्ड की बात ये लगी कि आपको बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको इसको चार्जिंग पे लगाना है या फिर आपको इसको लाइक यूज़ करने से पहले इसका ध्यान रखना कि ओके मेरे को अपनी बियर्ड को जो है सेट करना है और मुझे इसको ट्रिमर को चार्जिंग पे लगाना है. आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. इसकी बैटरी जो है काफ़ी अच्छी है. जब इसको एक बार आप चार्जिंग पे लगाते हैं 1 घंटे तक तो आपको आराम से 60 मिनट का रन टाइम ये देता है. एंड द बैटरी परफॉर्मेंस इज रियली नाइस. फिलिप्स ने अपनी बैटरी को काफ़ी अच्छे तरीके से अपग्रेड किया है इस ट्रिमर के अंदर. साथ ही साथ अगर इन केस अगर आप भूल गए इसको चार्जिंग पे लगाना सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कनेक्ट द अडेप्टर एंड स्टार्ट ट्रिमिंग योर बियर्ड. सो बैटरी का तो कोई लोचा ही नहीं है ट्रिमिंग के अंदर और एमरजेंसी का भी, मतलब इन्हें सारा फंडा हटा दिया है. सो दिस इज द अगेन बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रिमर.
पॉइंट नंबर थ्री दोस्तों ये है जो मुझे सबसे डिसअपॉइंटिंग लगा, मेरी एक्सपेक्टेशन काफी हाई थी इस ट्रिमर से, वो ये है दोस्तों कि जब इसकी एडजस्टमेंट जो क्लिप है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जो हम हाईएस्ट सेटिंग पर खोलते हैं जो इसकी है 20th 10 mm की जो सेटिंग है हाईएस्ट, जब हम इसको ओपन करते हैं और हम जब अपनी बियर्ड को ट्रिम करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत कम हेयर्स को ये कैप्चर करता है, बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। आई थिंक सो 7 और 8 mm के ऊपर जब आप इसको ट्रिम करने जाएंगे सो आई डोंट थिंक सो इतना अच्छा से परफॉर्म करेगा, बिकॉज एक टाइम पे पहले मेरी बियर्ड काफी लॉन्ग थी, माई बियर्ड लेंथ इज रियली रियली लॉन्ग, और जब मैंने इसको सेट करने गया तो बिल्कुल भी हेयर्स को कैप्चर नहीं कर रहा था और बिल्कुल भी कहता ना इफेक्टिवली मेरी बियर्ड को ट्रिम नहीं कर पा रहा था। एंड आई गेस इट्स नॉट अ ड्रॉबैक, इट्स नॉट अ कॉन, बिकॉज क्या होता है कि जब आपकी बियर्ड की लेंथ काफी ज्यादा होती है तो इट्स प्रिफर्ड कि आपको उसको एक सीजर से सेट करवाना चाहिए बाबा के पास जाके, एंड उस केस के अंदर जो कोई सा भी ट्रिमर होता है वो यूजफुल नहीं होता बिकॉज आपकी हेयर काफी लंबे होते हैं एंड बियर्ड के हेयर जो होते हैं वो काफी ज्यादा रफ होते हैं, काफी ज्यादा मोटे होते हैं, सो एक ट्रिमर को उसको एडजस्ट कर पाना इट्स अ रियली हार्ड जॉब। होगा ऐसी बात नहीं, नहीं होगा, बट आपको काफी रीटेक्स लेने पड़ेंगे, इट्स रियली अ हार्ड जॉब। मेरे को अराउंड 1 घंटा लग गया था अपनी बियर्ड को सेट करने के लिए एंड द रिजल्ट वॉज नॉट सेटिस्फाइंग एट ऑल फॉर मी, सो दिस इज अ काइंड ऑफ ड्रॉबैक एंड काइंड ऑफ ओके ओके थिंग कि ओके इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 20 mm तक सेटिंग है आपके पास, 10 mm तक सेटिंग है आई एम सॉरी, और आप इससे अपने 10 mm तक बियर्ड सेट कर सकते हैं, तो दिस इज नॉट गोना हैपन। आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि 7 mm तक ही इससे आप ट्रिम कर सकते हैं, अगर उससे लेंथ ज़्यादा आपकी बड़ी है बियर्ड की तो आई प्रेफर कि आप बाबा के पास जाइए और वहाँ पर जाके अपने बियर्ड को सेट करवाइए विद 10 सीजर ओनली। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा कि इस ट्रिमर का जो है क्लीन करना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। आई ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों जैसे इसकी क्लिप ये हट जाती है और हटने के बाद आपको ऐसे साइड से जो है प्रेस करके इसकी क्लिप को भी है बाहर निकालना पड़ता है, एंड देन यू कैन सी यू हैव अ कैविटी वो हेयर, यहाँ पर जो ये पूरा होल है इसके अंदर से हेयर को क्लीन करना ब्रश से या फिंगर डाल के उसको बाहर निकालना इट्स रियली अ टफ जॉब। अंदर अगर आपकी बियर्ड की लेंथ अच्छी है तो अंदर काफ़ी सारे बाल जो है ट्रैप हो जाएंगे एंड देन उसको निकालना क्लीन करना काफ़ी एक हार्ड जॉब बन जाता है। फॉर मी अगर मैं कहीं जा रहा हूँ जल्दबाजी में तो मेरे को ट्रिमर साफ करने का इतना टाइम नहीं मिल पाता, बट ऑन द अदर साइड ऐसा नहीं है कि आपको उसको एट द टाइम ही साफ करने की ज़रूरत है, आप घर पे आके उसको आराम से बाद में भी साफ कर सकते हैं, बट फॉर मी अगर जब मैं ट्रिमर को रिव्यू कर रहा हूँ सो आई एम लुकिंग लुकिंग दिस फीचर कि कितना ईजी इसको क्लीन करना होगा, सो दिस इज़ अ कॉन ऑफ दिस ट्रिमर कि आप इसको ईजिली क्लीन नहीं कर सकते, यू नीड टाइम अराउंड 10 to 15 मिनट टू क्लीन दिस ट्रिमर, एंड ये सच है दोस्तों इट्स अ रियल मैस, आपको एक एक बाल निकालना पड़ेगा अंदर से एंड दिस इज़ अ रियली हार्ड जॉब फॉर दिस ट्रिमर। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि आपको इस ट्रिमर को जब आप यूज़ करेंगे सो इसकी जो वैक्यूम वाला फीचर है जो मेन फीचर जो कंपनी क्लेम कर सकता है, देख सकते हैं अब यहाँ पर एक फ़ैन है, आई डोंट नो यू आर एबल टू सी और नॉट, सो यहाँ पर एक फ़ैन है, जब भी आप इसको ऑन करेंगे ये फ़ैन कुछ इस तरीके से टर्न आना स्टार्ट होता है, सो यही इस ट्रिमर का जो है वैक्यूम फीचर है, एंड ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है अगर आपकी लॉन्ग बियर्ड है, बिल्कुल भी बाल नहीं कैच करेगा, आधे बाल आपके नीचे गिरेंगे आधे बाल उसके अंदर जाएंगे, फिर आप उसको खाली करना पड़ेगा, देन आपको अगेन ट्रिमिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, सो आई डोंट थिंक सो ये इतना यूजफुल फीचर है, इट्स काइंड ऑफ अ फैंसी फीचर, बट अगर ऑन द अदर साइड आपकी 2 mm बियर्ड है या 3 mm बियर्ड है सो उस केस के अंदर काफ़ी हद तक ये बाल आपके कैप्चर कर लेगा बियर्ड के, अराउंड आपकी 2 mm या 1 mm तक बियर्ड है एंड अगर आप क्लीन शेव कर रहे हैं सो आई थिंक सो 90% तक ये कैप्चर कर लेगा ईजिली, सो येस अ हेल्पफुल फीचर फॉर दोज हु हैव शॉर्ट बियर्ड एंड द पर्सन हु हैव लॉन्ग बियर्ड लाइक मी, सो दिस इज अ यूजलेस फीचर ऑफ वैक्यूम इन दिस ट्रिमर, सो या दिस इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ दिस ट्रिमर। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा जब मैं ट्रिमिंग कर रहा होता हूँ अपने ग्रूमिंग टाइम के अंदर, वो ये है दोस्तों कि इसका जो ब्लेड है वो काफ़ी साइलेंटली क्लीन करता है आपकी बियर्ड को, ट्रिम करता है। आप खुद कंपेयर कीजिए मेरा लास्ट ट्रिमर से और इस ट्रिमर में कि कैसी इसकी ब्लेड जब रन करती है तो कितना साइलेंटली वर्क करता है, द लिसन द साउंड, सो दिस इज द साउंड ऑफ द ट्रिमर 7000 सीरीज 1, एंड ये मेरे पास एक अनादर ट्रिमर है ये भी फिलिप्स ब्रांड का ही है आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड इसका जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा वॉइस है, बाय द वे ये फिलिप्स का BT1000 सीरीज का ट्रिमर है एंड ज़रा इसकी साउंड सुनिए कितनी अनोइंग साउंड होती है इसकी, सो येस इट्स इट्स वेरी हार्श अगर आप ट्रिमिंग कर रहे हैं, इतना इतना अलग या डिफरेंट वाला पॉइंट नहीं है बट हाँ जब आप ट्रिमिंग कर रहे होंगे तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर देखेंगे कि आपकी ब्लेड कितनी साइलेंटली आपकी बियर्ड को जो है ट्रिम करती है।
सो दैट्स इट दोस्तों, ये थी हमारे कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन इस ट्रिमर के लिए, एंड ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व की जब हमने इस ट्रिमर को यूज़ किया। अब सवाल ये होता है एंड में कि क्या आपको इस ट्रिमर को बाय करना चाहिए। सो आंसर है दोस्तों, जी हाँ, आपको डेफिनेटली ये ट्रिमर को बाय करना चाहिए, बिकॉज उसके एडवांटेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इसके कौन से। हालांकि हर प्रोडक्ट के कुछ कॉन्स होते हैं, वो कुछ लाइक कुछ ना कुछ कमियां होती है उसके अंदर। आई थिंक सो इम्प्रूव की जा सकती है फ्यूचर के अंदर, अगर आप इसके अपग्रेडेड मॉडल देखेंगे तो शायद उसके अंदर होगा। बट आई प्रेफर कि आप इसको डेफिनेटली बाय कीजिए, काफ़ी प्रिसाइस है, आपको सेटिंग ऑप्शन देता है, चार्जिंग इट्स रियली ऑसम, 1 घंटा तक आप इसको रियली चार्ज कर सकते हैं, एंड इन द 5 मिनट आप इसको एक बार फटाफट 5 मिनट तक चार्ज लगा के विदाउट कॉर्ड आप इसको एक बार वापस स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, लाइक 1 टर्न तक तो चले जाता है। सो दीज आर द सम हाइलाइटेड फीचर ऑफ दिस ट्रिमर विच रियली हेल्प्स अ मैन टू डू हिज जॉब ऑफ ट्रिमिंग विच इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट जॉब। सो ये था हमारे आज की इस वीडियो के अंदर इस ट्रिमर का रिव्यू। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपके पास कौन सा ट्रिमर है या आप कौन सा ट्रिमर बाय करना प्रेफर करते हैं। मे बी पॉसिबल हम फ्यूचर में उसके ऊपर एक वीडियो बनाए, रिव्यू वीडियो, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग ग्रूमिंग से रिलेटेड वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं दोस्तों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करना मत भूलिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, बाय बाय।